तो चलिए आज की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा का आखिरी दिन है। सदन में शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तो आज सभी की नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी शाम 4 बजे, जब सदन में प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते नजर आएंगे। तो आज का दिन बेहद अहम आखिरी दिन है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा दिन। उससे पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से हम देख रहे लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, आप लोकसभा में इस मुद्दे पर पहले क्यों नहीं बोले? लोकसभा के पहले जब आपको मालूम हो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े सबसे बड़े समझते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा समझते हैं, आपने 4 मई की घटना आज हो जाएगी अगस्त में, 10 अगस्त, इसके पहले आपकी जुबान सीढ़ियों पे खुलती है लोकसभा में, सदन के अंदर नहीं। जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी कि पार्लियामेंट में आकर जनता को बताएं कि मणिपुर में क्या दिक्कतें हैं, आज वो इन सारे सवालों पे जवाब देंगे मैं ये उम्मीद करती हूँ। ये बताएंगे कि महिलाओं पे इतने जघन्य अपराध हो रहे थे, ऐसा क्यों है कि ना गृह मंत्रालय ना वहाँ के मुख्यमंत्री किसी तरीके का संज्ञान ले पाए। मैं उम्मीद करूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 150 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं, 100 दिन हिंसा के हो गए हैं, कि अब तक उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई है। मैं ये प्रधानमंत्री से हमें जानना चाहते थे कि आप सदन में आइए और मणिपुर के बारे में आप जो कुछ प्रयास कर रहे हो हिंसा रोकने के लिए उस बारे में संसद के दोनों सदनों को आप बताइए, यानी देश को बताइए। ये कोई बहुत बड़ी गंभीर मांग नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बता दें आपको कि देखिए आज तीसरा दिन है, तीसरा और आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा का, और आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाब देंगे। मणिपुर 3 महीने से ज्यादा से प्रधानमंत्री जी के दो शब्द का इंतजार कर रहा है। मुझको लगता है कि आज उनके भाषण में अतीत जीवी ना हो जाए हूँ मिनिस्टर साहब की तरह, और नेहरू जी से शुरुआत ना कर दें। 9.5 बरस से ज़्यादा से आप प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर के लोगों को आपसे संदेश चाहिए। इतिहास भूगोल से हम वाकिफ हैं, वर्तमान आपके हाथ में है और आपकी चुप्पी ने उस वर्तमान को और जटिल किया। आज मुझको लगता है कि संभवतः प्रधानमंत्री जी दिल विशाल करके सिर्फ मणिपुर पर केंद्रित रहें तो बात बनेगी। जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी कि पार्लियामेंट में आकर जनता को बताएं कि मणिपुर में क्या दिक्कतें हैं, आज वो इन सारे सवालों पे जवाब देंगे मैं ये उम्मीद करती हूँ। ये बताएंगे कि महिलाओं पे इतने जघन्य अपराध हो रहे थे, ऐसा क्यों है कि ना गृह मंत्रालय ना वहाँ के मुख्यमंत्री किसी तरीके का संज्ञान ले पाए। मैं उम्मीद करूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 150 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं, 100 दिन हिंसा के हो गए हैं, कि अब तक उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं।